हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं इजाजुद्दीन और आप लोग देख रहे हैं नागपुर न्यूज टीवी। जी हाँ, लेकिन खबरों पर नजर डालने से पहले सबसे पहले आपको ये बता दूं कि नागपुर यानी एनएन टीवी का जो है वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है आज ही। जी हाँ, www.nagpurnewstv.com। जी हाँ, इनिशियल लेवल पर हमने वेबसाइट आप लोगों के लिए आज शुरू किया है। इसमें कुछ भी गलतियां खामियां रही तो आप जरूर हमें बताएं, लेकिन इस पर वर्क हो रहा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर नजर। पहली खबर मेरे पास है जो मैं आपको बता दूं कि यह खबर आ रही है नागपुर के मुख्तलिफ एरिया से। जी हाँ, यह है ब्रेकिंग न्यूज कि आज 13 पेशेंट क्वारंटाइन के लिए ले जाए गए जो कि पॉजिटिव मिले हैं। मोमिनपुरा से 8, भानखेड़ा से 1, नाइक तालाब से 2, इंदौरा से 1 और जूनी मंगलवारी से 1। लेकिन आप घर में रहें, लोगों को गलतफहमी हो गई है कि लॉकडाउन पूरी तरह खुल गया। जी हाँ, लॉकडाउन खुला जरूर है, अनलॉक हुआ है, लेकिन कहां हुआ है इसके लिए आपको तफसील से हम लोग बताएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नागपुर कंटेनमेंट जोन में आ रहा है। महाराष्ट्र के कुछ ऐसे शहर है जो कंटेनमेंट में आ रहे हैं जिसमें नागपुर भी है। नागपुर में आज बहुत सी दुकानें खुली दिखी, बहुत से लोग बाहर घूमते हुए दिखे, लेकिन सावधान रहें, यहां लॉकडाउन लगा हुआ है। पेशेंटों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपका बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप बाहर जाते तो आप जानते हैं कोरोना कितना स्वाभिमानी है, वो आपके साथ आपके घर आएगा। जब तक उसे लेने नहीं जाया जाता वो आता नहीं है। आप ला सकते हो उसे अपने घर में, बीवी बच्चों को, अपने फैमिली को खतरे में डाल सकते, अपने मोहल्ले को खतरे में डाल सकते, अपने एरिया को खतरे में डाल सकते। तो आप सावधान रहें, और लॉकडाउन पूरी तरह खुला नहीं है, बहुत से लोग घूम रहे हैं। आप पूरी दी गई जो है जीआर अभी तक आया नहीं है, जो घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने उसे ध्यान में रखते पड़े देखे कि क्या खुला है क्या बंद है। जी हाँ, सलून जरूर खुले, स्पा बंद है, लेकिन पूरी तरह अभी बहुत सी चीजें खुलना अभी बाकी है। दूसरे राज्य में आप नहीं जा सकते हैं। कंटेनमेंट जोन से कोई भी व्यक्ति अगर बाहर जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बने रहे मेरे साथ और देखते रहे आपका अपना न्यूज चैनल नागपुर न्यूज टीवी। उसी को इंग्लिश आती है? हाँ, बहुत बढ़िया आती है। चलो इसको इंग्लिश में करके बता। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अरे ये तो बहुत ईजी है। आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड। कोरोना को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आज सबसे ज्यादा केस मिले और बीते 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 8,392 नए मामले आए हैं, जिसमें 230 की मौत हो चुकी है और 1,90,535 हुए मरीजों की कुल संख्या। ये कुल संख्या 1,90,535 बढ़ गई है। तो दोस्तों, कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खुल गया है, अनलॉक हुआ है, तो कोरोना हर राज्य में कोरोना बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यह है पीक पीरियड कोरोना के बढ़ने का। जैसे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का मानना था कि जून और जुलाई के महीने में कोरोना पीक पे रहेगा, बढ़ेगा। जी हाँ, ऐसी ही और बेहतरीन ताजा तरीन खबरों को लेकर मैं आपसे बना रहूंगा। जब तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूँ, देखते रहे। हमारे बाप खेला के इतना बुड़बकवा का कोई ले बारे अपना बियाह के केचट में हमारे फोटो नहीं खेलिया। खबर की तरफ रुख करना चाहूंगा मैं कि पिछले 2 महीने से एक चेहरा पूरी मीडिया से गायब था, वो अचानक कल आया और उन्होंने कहा कि उन्होंने 41 करोड़ लोगों के अकाउंट में 53 करोड़ रुपए डाले। इस हिसाब से हर भारतीय जितने भी है 41 करोड़ उनके अकाउंट में 1 रुपए 29 पैसे आए। ये बहुत खुशी की बात है कि कम से कम इस काल में 1 रुपए 29 पैसे हमारे काम आ रहे हैं। जी हाँ, ये तो आ गए हैं, लेकिन जो हमेशा मीडिया का खास चेहरा बना रहते थे, जो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानकार है, हमेशा अपने जो है एजेंडे को, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर और उंगली के लिए जाने जाते हैं, ऐसे संदीप पात्रा पिछले कुछ दिनों से गायब है। कहाँ है अभी तो कोई खबर नहीं है। खबर मिलते ही हम आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों, ये न्यूज कैसी लग रही है आप लोगों को हमको जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज टीवी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले और शेयर जरूर करें और लोगों को बताएं ये न्यूज चैनल के बारे में। बहुत जल्द आपको अगली न्यूज के साथ, अगली खबरों के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ मैं मिलूंगा इसी जगह पर जिसका नाम है नागपुर न्यूज टीवी। तेरे बगैर ही अच्छे थे, क्या मुसीबत है। हाय 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 हाय, क्या तेरे बगैर ही अच्छे थे। वाह मेजर मियां, क्या मिसरा। तेरे बगैर ही अच्छे थे, क्या मुसीबत, क्या मुसीबत है। ये कैसा प्यार है, हर दिन जताना पड़ता। दोस्तों, कोरोना काल में बॉलीवुड को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं।
पहले ऋषि कपूर, इरफान खान और उसके बाद अब मशहूर संगीतकार की जोड़ी साजिद वाजिद में से वाजिद का इंतकाल हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ दिनों से हॉस्पिटलाइज किया गया था, जो कि किडनी के रोग से वो पीड़ित थे। बाद में थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, लेकिन आज उनकी डेथ हो गई और डेथ के बाद पता चला है कि उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है कोरोना की। और उस वक्त जब वो हॉस्पिटल में थे तो उनकी अम्मी को भी, उनकी मदर जो है, उनकी माता जो है, उन्हें भी जो है जांच के लिए ले जाया गया है। तो ये बहुत बड़ा झटका लगा है बॉलीवुड को। बहुत ही नजदीकी थे सलमान खान के साजिद और वाजिद, दोनों की मशहूर जोड़ी जो कि एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं रहते थे। साजिद आज अकेले हो गए, वाजिद 42 साल की उम्र में इस दुनिया से उन्होंने अलविदा कह दिया, अल्लाह को प्यारे हो गए। हम दुआ करेंगे अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो बने रहे मेरे साथ, अगली न्यूज आपके लिए मैं ला रहा हूं, देखते रहे NNTV यानी नागपुर न्यूज टीवी।